कोटा में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है और संक्रमण के बीच गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाना नहीं पहुंचने की स्थिति में अब आजमगढ़ गुरुद्वारे ने इसका जिम्मा उठाया है। इसी के तहत आज से आजमगढ़ गुरुद्वारे से सैकड़ों लोगों को खाना नयापुरा पहुंचाया गया, जहां से समाज सेवी अमित धारीवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, अन्य लोगों की उपस्थिति में खाने का वितरण किया गया। इस दौरान गुरुद्वारे के महंत लखा ने कहा कि कोटा में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए लंगर फिर से शुरू किया गया है और जहां पर खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वहां पर खाना वितरण भी किया जाएगा। तो वहीं आजमगढ़ गुरुद्वारे के सराहनीय कार्य के बारे में जानकारी ली हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोटा के समाज सेवी संगठनों के द्वारा जो महाकर्फ्यू में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आज भोजन और राहत सामग्री की व्यवस्था की है। सामने आप देख सकते हो समाज सेवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे के जो महंत हैं लक्का साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं समाज सेवी अमित धारीवाल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में ही त्रिवीर सिंह बेदी यहाँ पर, अनिल सुहाल का मौजूद है, ब्लॉक अध्यक्ष राजीव आचार्य यहाँ पर मौजूद है। तो लगातार यहाँ पर जो समाज सेवी संगठन है वो लगातार आगे आ रहे हैं और वह गरीब तत्वे के लोग जिन तक राहत सामग्री पहुँचानी चाहिए उसका पूरा बीड़ा उठा रखा है। यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल के आग्रह पर और उनके निर्देश अनुसार यहाँ पर गुरुद्वारे में बात की गई और आज गुरुद्वारे में लंगर वापस चालू किया। हमारे साथ अमित धारीवाल है। अमित धारीवाल जी, किस तरह से व्यवस्था चालू की और कब तक रहेगी? आज से बड़गांव गुरुद्वारा के द्वारा कोटा के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लंगर के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की गई है वांछितों के लिए, और मैं आशा करता हूँ और मैं बाबा जी से प्रार्थना रिक्वेस्ट करूँगा कि इस व्यवस्था को निरंतर चालू करें जब तक लॉकडाउन रहे। किस तरह से सर वहाँ गुरुद्वारे में भोजन बन रहा है और किस तरह से यहाँ पर सप्लाई होगी? मैं सभी प्रशासन को साको सत श्री अकाल बुलाता हूँ। सत श्री अकाल। जो आज दुनिया पूरी में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, जो उनकी वजह से हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, जो काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती आ रही है जो भोजन के लिए, जो हमारे को कल कलेक्टर साहब जी के पास बैठे थे, कलेक्टर साहब जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो लंगर का बोला दे बाबा जी आप इतना करो तो बहुत खुशी वाली बात है। तो धारीवाल साहब जी मेरे पास शाम को गए थे, कह के बाबा जी आज की हालत में लंगर कोटा में चालू करें। जिस तरह से साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं रोज जो व्यवस्था चालू रहेगी, सामने की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह से गाड़ी में यहाँ पर भोजन सामग्री लाई गई है, यहाँ पर केनों में सब्जी भर के लाई गई है और कम से भी कम 1000 लोगों के यहाँ पर खाने की व्यवस्था इस गाड़ी में मौजूद है जो महाकर्फ्यू इलाके में जाएगी और वहाँ पर इस गाड़ी के माध्यम से उन लोगों को खाना पहुँचाया जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महाकर्फ्यू के दौरान लगातार समाज सेवी संगठन और जो कांग्रेस नेता हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं और आम जनता की सेवा के लिए तत्पर है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा।